लोग कितने उसके तो खंड है चिंतामणि, दो भागों में फिर है चिंतामणि, एक दो। सर आरंभ करते हैं सर, लगभग 14-15 विद्यार्थी हो गए हैं सर। चलिए कोई बात नहीं, 14-15 हो गए, मतलब काफी है। बिल्कुल जी सर, धीरे धीरे फिर जुड़ते रहते हैं क्योंकि थोड़े से छुट्टी बिल्कुल बिल्कुल का ही, समय शुरू तो करते विलंब हैं। से आते हैं। जी सर, तो सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का पुनः एक बार उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा के श्रृंखला में। आज वापिस से हम लोग एक नए विषय के साथ आप लोगों के समक्ष मौजूद हैं, जो आपके AECC MIL पाठ्यक्रम के दूसरे ब्लॉक से संबंधित है, जो मुख्य रूप से आलोचना से संबंधित है, निबंध एवं आलोचना से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम लोग उत्साह उठा जो सदाचार का ताबीज, इन तीन पाठों पे इन मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। और आज हमारे समक्ष चर्चा इस चर्चा में भाग लेने और विषय विशेषज्ञ के रूप में मौजूद है उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के प्रथम कुल सचिव रजिस्ट्रार सर डॉक्टर जयंत शर्मा सर, और सर अभी वर्तमान में गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज संबलपुर में ही बतौर एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत है। तो हम अपने विभाग विभाग की तरफ से क्या बोलूँ, सर की देन है विभाग, पर सर के अपने विभाग बिल्कुल की ओर से मैं सर का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस चर्चा परिचर्चा में। तो सर आपका हार्दिक स्वागत है सर, और सर आप अपने व्याख्यान को सर आरंभ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, शुक्रिया। ये AECC जो MIL का पाठ्यक्रम है, इससे जुड़े तमाम विद्यार्थियों को मैं स्वागत करना चाहता हूँ। और आज ये जो निबंध का विषय हम लोग चर्चा करने जाएंगे, ये 1-1.5 घंटे में, हमारे साथ 3 निबंध हैं। कुटज है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और एक उत्साह है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और जो तीसरा है जो कि कहानी नुमा है, जो हरिशंकर परसाई जी का एक निबंध, सदाचार का ताबीज, जो कि एक व्यंग पर निबंध है। विद्यार्थियों, मैं आपको पहले से ये सूचित करना चाहूँगा कि आप लोग अपने स्कूल में और +2 में निबंध तो जरूर पढ़ा होगा और लिखा भी होगा। निबंध लेखन जो आमतौर पर परीक्षा में आते रहते हैं, लेकिन आज जो हम निबंध पढ़ेंगे वो परीक्षा वाले निबंध से वो बिल्कुल अलग है। ये जो निबंध हम पढ़ने जाएंगे ये है साहित्यिक निबंध, जिनको विचारात्मक निबंध व ललित निबंध के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थियों, निबंध एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है संवार कर सीना, जैसे किताब होती है उसको संवार करके सिया जाता है तो उसको निबंध कहते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में ग्रंथों को संवार कर सिया जाता था और इस प्रक्रिया को निबंध कहते थे। लेकिन धीरे धीरे इसका प्रयोग ग्रंथों के लिए होने लगा, किताब के लिए होने लगा, जिसमें विचारों को, लेखक का जो विचार है, थॉट प्रोसेस है, थॉट है, उसको बांधा जाता है, सुनियोजित या क्रम से बांधा जाता है, उसी को निबंध कहते हैं। ये निबंध का आम व साधारण सा मीनिंग है, मतलब है। अंग्रेजी में इसके लिए एसे शब्द है, और इसके साथ, इस शब्द के साथ नए अर्थ भी जुड़ते गए, और इसमें जो अनावश्यक बातें हैं, अनावश्यक अर्थ हैं, वो सब दूर हो गए, और साहित्यकार के मन में उठने वाले जो विचार हैं वो लिखित रूप से हम उसको ऐसे कहते हैं, यानी कि लेखक के जो विचार हैं जब उसको लिखित रूप में प्रकाशित किया जाता है तो उसको ऐसे कहते हैं। निबंध जैसा कि आपके सिलेबस में है, निबंध एक गद्य विधा है, इसको गद्य विधा के अंतर्गत रखा जाता है।
इसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप से रखा जाता है, जो विचार है थॉट है उसको सिलसिलेवार ढंग से क्रमिक रूप से रखा जाता है। गद्य लिखना कविता से थोड़ा कठिन है, और उसमें निबंध, गद्य में निबंध जो है वो और भी कठिन है। इसका कारण यह है कि विचारों को सुनिश्चित रूप से व सुनिश्चित क्रम से ठूस ठूस कर रखा जाता है। अपने विचारों को बहुत कम सीमित कलेवर में, क्योंकि उपन्यास, गद्य में उपन्यास भी है, कहानी भी है, नाटक भी है। उपन्यास देखिए बहुत बड़ा होता है, इसका जो कैनवास होता है बहुत बड़ा होता है। कहानी में भी छोटे कलेवर में ये भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन निबंध बहुत सीमित होता है, और इस सीमित परिसर में लेखक को अपने विचार जो है सुनिश्चित रूप से क्रम से ठूस ठूस कर रखना पड़ता है। इसलिए बहुत चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की कसौटी भी कहा है। अगर गद्य की परीक्षा की जाती है तो वह निबंध से ही की जा सकती है। किसी लेखक की जो परीक्षा है वो निबंध से ही पता चलता है कि उसमें कितना, कितनी गंभीरता है, कितना डेप्थ है। और हमारे सौभाग्य है कि ऐसे हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, ये ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जो निबंध, कालजयी निबंध हमें दे गए हैं। एक और बात है निबंध में कि जो आम तौर पर आप ऐसे लिखते हैं उससे कैसे फर्क है, आप परीक्षा कर सकते हैं कि निबंध का प्रतिपादन निजीपन के साथ किया जाता है, इसमें अपनापन होता है, क्योंकि उसके जो विचार हैं वो अपने होते हैं, इसमें विखराव नहीं होता है, बहुत सीमित कलेवर में सुनियोजित व सुनिश्चित क्रम से इसको रखा जाता है, अपने विचारों को रखा जाता है। तो इसलिए लेखक का जो निजीपन है उसमें आ जाता है, और इसके प्रतिपादन में लेखक को संगति और संबद्धता, संगति चाहिए और संबद्धता, इसमें विखराव नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने विचार को संगति के साथ, संबद्धता के साथ वो इकट्ठा करता है, लिखता है, अपने विचारों को उतारता है कागज पर, और इसमें जो वो कहना चाहता है वो जो विवेचन है उसमें स्पष्टता की जरूरत होती है, क्लियर होना चाहिए जो वो कहना चाहता है, लेखक जो प्रकट करना चाहता है वो क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि लेखक जो कहना चाहता है वो पाठक के पास पहुंचना चाहिए। इसमें जो विषय का प्रतिपादन है उसमें निजीपन रहता है, स्वच्छता, सौष्ठव, सजीवता, इन सब की आवश्यकता रहती है, और इन सब को मिला करके बाबू गुलाब राय ने एक अच्छी परिभाषा निबंध की दी है, जो कि उनकी भाषा में, निबंध सीमित आकार वाली वो रचना है, निबंध सीमित आकार वाली वो रचना है जिसमें विषय का प्रतिपादन निजीपन, स्वच्छता, सौष्ठव, सजीवता एवं आवश्यक संगति तथा संबद्धता के साथ किया जाता है। तो ये बाबू गुलाब राय ने बहुत बढ़िया डेफिनेशन व संज्ञा निबंध की रखी है, जो कि निबंध में ये सारी विशेषताएं हमको देखने को मिलती है, जैसा कि हमने अभी चर्चा की। एक और बात है, क्योंकि लेखक का निजीपन इसमें रहता है, तो लेखक की बुद्धि यानी कि विचार और उनका हृदय, इसका मेल इसमें रहता है। बुद्धि और हृदय, दिल और दिमाग, ये दोनों का उसमें योग रहता है, दोनों का संयोग रहता है, और यह सजीव, सरस और रोचक बन
बनाने के लिए हृदय को भी, अपने दिल को भी, अपने हृदय को भी उसमें झोंकना पड़ता है। और जब ये हृदय और मस्तिष्क यानी कि बुद्धि, ये दोनों का मेल होगा तब जा करके एक अच्छा निबंध हमको पढ़ने को मिलेगा। इसके लिए कभी लेखक क्या करता है ना, अपने जीवन में घटी घटनाओं का उल्लेख उसमें करता है, बहुत सारे रोचक उदाहरण उसमें सम्मिलित करता है। ये जो दो निबंध हम पढ़ने जाएंगे, खास करके कुटज और उत्साह, ये कुटज और उत्साह ये दोनों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि बहुत बड़े निबंधकार हैं हमारे हिंदी साहित्य के, तो इन्होंने इनके निबंध में, इनके जितने भी निबंध हैं, इन निबंधों में आपको ये देखने को मिलेगा। निबंध लिखने के पीछे लेखक पूरी तल्लीनता के साथ, लगन के साथ उसमें अपने आप को झोंक देता है, आत्मीयता के साथ, और इसके चलते कहीं ना कहीं निबंध में लेखक का जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी, उसकी झलक मिलती है। ये सबसे बड़ा फर्क है ललित निबंध और आम निबंध जो कि आप स्कूल में लिखा करते थे या पढ़ा करते थे, उस निबंध और इस निबंध में ये फर्क है कि इनमें लेखक का जो व्यक्तित्व है वो देखने को मिलता है। अब जो ये दो निबंध हम पढ़ने जाएंगे, कुटज और उत्साह, इसमें लेखक का जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार प्रतिफलन हुआ है, बिल्कुल हम लोगों को देखने को मिलेगा, उस पर भी हम आलोचना करेंगे। और निबंध के जो तत्व हैं वो भी तीन हैं, इसमें लेखक का व्यक्तित्व सर्वोपरि है, वो बहुत ही प्रमुख तत्व माने जाते हैं, और उनके जो विचार हैं ये वैचारिक और भावात्मक दो प्रकार के निबंध हमको देखने को मिलते हैं। और सबसे और एक और बात है लेखक की भाषा शैली, रामचंद्र शुक्ल की जो भाषा शैली है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी में नहीं मिलेगी, बा कुबेरनाथ राय बा हरिशंकर परसाई में वो नहीं मिलेगी। हरिशंकर परसाई में व्यंग शैली मिलेगी, और इनमें जो है द्विवेदी जी और शुक्ल जी में अलग तरह की शैलियाँ मिलेगी, और इसमें लेखक का व्यक्तित्व जैसा कि मैंने कहा ये रहता है, और वैचारिक और भावात्मक आधार इसमें रहता है। हम जो उत्साह निबंध पढ़ने जाएंगे, ये उत्साह निबंध रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि भाग एक में संकलित जो भाव और मनोविकार संबंधी निबंध है उन्हीं में से एक है। उत्साह भी एक मनोविकार संबंधी निबंध है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। शैली भी रहती है, और इस प्रकार ये थोड़े बहुत हमने निबंध के बारे में बताया। मैं इसलिए निबंध के बारे में आपको बताने की जो जरूरत है, महसूस किया कि विद्यार्थियों को पता चले कि जो उन्होंने निबंध लिखा था या जो स्कूल में लिखा था, प्लस टू में लिखा था, उससे ये जो निबंध पढ़ रहे हैं वो किस प्रकार फर्क। जैसा कि मैंने कहा, इसमें लेखक का जो व्यक्तित्व झलकता है उसमें निबंध में, लिखो निबंध को पढ़ करके आपको पता चल जाएगा कि ये किसके लिखा निबंध है। तो ये एक बहुत सुंदर विधा है हिंदी साहित्य के, प्रत्येक साहित्य के, उड़िया में, अंग्रेजी में, सभी भाषाओं में ये निबंध एक बहुत बड़ी विधा के रूप में, साहित्य की विधा के रूप में आता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो ललित निबंध है उसमें ये सब देखने को मिलता है। सबसे पहले हम उत्साह निबंध को देखेंगे। उत्साह निबंध, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक चिंतामणि पुस्तक है। इस चिंतामणि पुस्तक में 10 ऐसे निबंधों का संकलन है जो कि भाव और मनोविकार संबंधी निबंध उसमें अधिकतर रखा गया है। भाव और मनोविकार,
यानी कि अपने भावना के साथ साथ जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी, तो ये दोनों का मिला जुला रूप उसमें देखने को मिलता है। उत्साह एक ऐसा निबंध है वह ऐसा मनोविकार है, इस पर जब हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसका इसकी जो पहली पंक्ति है उसी से क्लियर हो जाता है। मैं पढ़ता हूँ, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का है। एकदम क्लियर। मैं जो निबंध जब हम चर्चा कर रहे थे उसमें हम रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जिक्र कर रहे थे, तो और हमने बताया कि लेखक की जो शैली होती है, ये बहुत एकदम मजेदार बात है, लेखक की शैली जो होती है वो किसी से मिलती नहीं है। विशेष करके जब हम रामचंद्र शुक्ल का पढ़ने जाएंगे, जितने भी निबंध हैं, उत्साह है, श्रद्धा और भक्ति है, क्रोध है, करुणा है, ये पूरा जितने भी निबंध है भाव और मनोविकार संबंधित निबंध हैं, उसमें क्या है, उनकी एक बहुत अच्छी शैली है। वो पहले संज्ञात्मक रूप देते हैं, यानी कि उसको उसका डेफिनेशन बताते हैं, बाद में उसको विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करते समय, जैसे कि मैंने कहा, उदाहरण अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में घटी कई घटनाएं उसमें आ जाती है, कई उदाहरण भी उसमें शामिल करते हैं, ये सब बताते जाते हैं। तो ये सबसे पहले जो है, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का है। तो सबसे पहले हमारे मन में जो मनोविकार व जो भावनाएं उठती हैं, वो दो प्रकार है, एक है सुख, दूसरा है दुख। यानी कि जो ख है, ख का अर्थ है अवस्था, और उसमें सु लग गया तो सुख यानी कि आनंद, और दु लग गया दुख यानी कि बुरा, यानी कि भय। तो सुख और दुख, ये दो मूल प्रवृत्तियां हैं, सुख और दुख। तो दुख के वर्ग में भय आता है, तो इसलिए पहले डेफिनेशन के रूप में, संज्ञा के रूप में रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा कि सुख दुख के वर्ग में, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, यानी कि भय को हम दुख के वर्ग में रखते हैं और आनंद के वर्ग में उत्साह को रखते हैं। यानी कि उत्साह अगर हम डिवाइड कर देंगे अपने भाव को, ये सब मनोविकार संबंधी है, साइकोलॉजी, सुख दुख ये सब मनोविकार संबंधी भावनाएं हैं। अगर हम भावना को, भाव को अगर दो भाग कर देंगे, हो जाएगा एक दुख एक सुख। भय को हम दुख के अंतर्गत रखते हैं और उत्साह को हम सुख व आनंद के वर्ग में रखते हैं। दो क्लासिफिकेशन, यहाँ क्लासिफिकेशन हो गया। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से, विशेष रूप से दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान भी होते हैं। हम कभी दुख दुख को पसंद नहीं करते। कौन ऐसा है जो दुख को पसंद करता है? हाँ, एक माधवी वर्मा है जो दुखवाद को अपना लिया, लेकिन हम आम आदमी हैं, आम इंसान कहाँ दुख को पसंद करते हैं? कोई दुख को पसंद करेगा थोड़ी। तो दुख को कोई पसंद नहीं करता, इसलिए उसे दूर रहना चाहता है, बचना चाहता है। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख के उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। तो उत्साह बहुत बड़ी चीज है, करेज, उत्साह। उत्साह के बिना आदमी कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए उत्साह का रखना बहुत जरूरी है। और कोई भी काम आप जब करने जा रहे हैं, अगर आपके आपके मन में उत्साह नहीं है, वो काम घटिया किस्म का होगा। यानी कि आपको जबरन ठेल फूल करके आपको उस काम के लिए भेजा गया है, जो कि आपकी इच्छा नहीं है। आपकी इच्छा है आर्ट्स पढ़ने के लिए, संगीत पढ़ने के लिए। अगर माता पिता आपको भेजें कि साइंस पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, आपकी रुचि नहीं होगी, क्योंकि आपका उत्साह नहीं है। आपकी रुचि जिसमें है, आपका उत्साह जिसमें है, अगर उसी काम को आप करने जाएंगे तो बेहतर ढंग से आप कर पाएंगे।
उस समय कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म प्रवृत्ति होने के आनंद का योग रहता है। उस समय क्या होता है, हानि सहने की, कष्ट सहने की पड़ती है। बिना कष्ट सहे, बिना खतरा मोल लिए, बिना हडल के आप कहाँ लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस समय कष्ट और हानि सहने की गुंजाइश है, इसके साथ साथ कर्म प्रवृत्ति होने के आनंद का योग होता है। तो खतरा भी है, साथ साथ सबसे बड़ी बात है कर्म, कर्म प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर कर्म प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए तो आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। तो उत्साह के साथ कर्म की प्रवृत्ति होनी चाहिए। साहसपूर्ण आनंद ही उमंग का नाम उत्साह है। देखिए एक और संज्ञा यहाँ दिया, एक और संज्ञा वह जो डेफिनेशन है, तो रामचंद्र शुक्ल ने उत्साह किसे उत्साह कहते हैं ना, उससे उत्साह उसे कहते हैं साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह। अगर सवाल आए एक लाइन वाला क्वेश्चन, उत्साह क्या है, उत्साह किसे कहते हैं ना, साहसपूर्ण आनंद की उमंग। आनंद आपको होनी चाहिए और आनंद में क्या है, साहसपूर्ण आनंद, आपको थोड़ा करेज होना चाहिए, साहसपूर्ण आनंद होना चाहिए, उसके साथ साथ उमंग, एक उमंग उत्साह भी होना चाहिए, उसी को उत्साह कहते हैं। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही होते हैं, जो कर्म को अपना लिया है, जिन्होंने ड्यूटी अपने कर्म को अपना लिया है, कर्म के उपासक जो हैं वही सच्चे उत्साही कहे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी लाइन है, साहसपूर्ण आनंद के उमंग का नाम उत्साह है, कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही। अब कर्म में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सबके प्रति उत्कंठा पूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भेद हो जाते हैं। तो क्या बात है, कर्म में कष्ट और हानि सहने की गुंजाइश है और इसके साथ साथ उत्कंठापूर्ण आनंद, उत्कंठा क्यूरियसिटी यानी कि उत्कंठा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। पहले अगर आपको बता दिया जाएगा, आप एग्जाम में फॉर्म फिलअप करते समय आपको बता देंगे टीचर कि नहीं तुमको तो फेल होना है, तुमको तो फर्स्ट डिवीजन मिलना है, तो आप मेहनत करने की व परिश्रम करने की रुचि नहीं रही जाएगी व पढ़ने की रुचि नहीं रही जाएगी। इसलिए आपको क्या करना चाहिए ना, उत्कंठापूर्ण आनंद, उत्कंठा क्यूरियसिटी आग्रह और आनंद के साथ, तब जाकर के उत्साह आपके मन में आए। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भेद, आप कितना कष्ट सहेंगे, कितने नुकसान होगा, इस सबसे उत्साह के भी भेद होते हैं। साहित्यकारों ने उत्साह के कैटेगोराइज किया है। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, ये इस प्रकार के तीन भेद किए हैं। इसमें सबसे प्राचीन और प्रधान है युद्धवीर, युद्धवीरता यानी कि लड़ाई में जो वीर सैनिक जाते हैं वह सबसे प्राचीन है और प्रधान वीर है। इसमें आघात सहना, पीड़ा सहना, यहाँ तक कि मृत्यु तक भी परवाह नहीं करते। आप लोगों ने देखा गलवान घाटी में हमारी भारतीय सेनाओं ने कैसे चीनी सैनिकों को, चीनी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए, यानी कि उसमें बहुत अपने जान भी गंवाई, तो कोई डर नहीं उसके लिए। तो आघात सहना पड़ेगा, घायल भी होना पड़ेगा, पीड़ा भी सहनी पड़ेगी, यहाँ तक कि मृत्यु के भी कोई परवाह नहीं। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से पढ़ता चला आ रहा है। इसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्या क्या, साहस और प्रयत्न, एक तो साहस होना चाहिए, दूसरा है प्रयत्न, आपको चेष्टा करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करनी चाहिए। प्रयत्न करने वालों की हार नहीं होती, तो प्रयत्न करने चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न और उसकी उत्कंठा का योग, तो वही पुरानी बात जो अगले पैराग्राफ में कहा था
आनंदपूर्ण प्रयत्न, जो आप प्रयत्न करने जा रहे हैं बड़े आनंद के साथ कीजिए, खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रयत्न कीजिए, और उसकी और उसके लिए उत्कंठा का योग उसमें होना चाहिए। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, जब आप पर्वत की गिरी चोटी पर पहुंचना चाहते हैं तो एक के बाद एक कठिन पीड़ा आती है, उसको सहते हुए आप आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो उत्कंठा है उसमें होना चाहिए, बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिन्ह। देखिए जो मैं कह रहा था उदाहरण एक एक दे देते हैं, क्योंकि उसको तो देखिए निबंध एक बड़ी कठिन विधा है, और विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध और भी कठिन होते हैं, और इन कठिन चीजों को, बौद्धिक चीजों को थोड़ा सा हल्का और थोड़ा सा सहज बनाने के लिए विद्यार्थियों के लिए व पाठकों के लिए उदाहरण, सहज सहज उदाहरण भी दिए जाते हैं। देखिए कैसा एक सहज उदाहरण दिया, कैसे आप आनंद पूर्ण के साथ उत्कंठा का योग उसमें होना चाहिए। इसमें उदाहरण है, बिना बेहोश हुए भारी भारी फोड़ा चीरने को तैयार होना साहस कहा जाएगा पर उत्साह नहीं कहा जाएगा। अगर आप में फोड़ा है, बिना एनेस्थीसिया लिए अगर आप तैयार हो जाएं उस फोड़े को चीरने के लिए, फाड़ने के लिए, उसे उत्साह नहीं कहा जाएगा। इस प्रकार चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना, साहस और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से ना हटना, धीरता कही जाएगी, साहस नहीं कही जाएगी। आपके हाथ पैर बांध दिया जाएगा और आपको पिटा जाएगा, आप सारे पिटने के कष्ट को आप झेल जाएंगे, सह जाएंगे, तो ये थोड़ी उत्साह कहा जाएगा, ये आपकी धीरता कही जाएगी, ये उत्साह नहीं। तो ऐसे साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत तभी हम ले सकते हैं जबकि साहसी या धीर उस काम को आनंद के साथ करता चला जाएगा, जिसके कारण उसे इतने पहाड़ सहने पड़ते हैं। अगर आप उसको उत्साह के साथ सह लेंगे, धीर के साथ सह लेंगे, आनंद के साथ उसको करते जाएंगे, तो ये एक अलग किस्म की बात हो जाएगी और इसे कहा जाएगा। तो आनंद का उसमें शामिल होना चाहिए, धीरज के साथ उसमें आनंद का भी अगर सम्मिश्रण हो तब जाकर के उत्साह कहा जाए। तो सारांश ये है कि देखिए, फिर एक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शैली के बारे में मैं कहना चाहूँगा, वो पहले संज्ञा देते हैं, उसको विश्लेषण करते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, अंत में कंक्लूजन स्थापित करते हैं, कंक्लूजन माने सारांश, अतः जो कहना चाहते हैं उसका सारांश प्रस्तुत है। सारांश ये है कि आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा में ही उत्साह का दर्शन होता है। किसमें उत्साह मिलता है, किसमें उत्साह का दर्शन होता है, ना आनंदपूर्ण प्रयत्न, कोई आपको जबरन नहीं कहता है, आनंद के साथ अगर आप प्रयत्न करेंगे, चेष्टा करेंगे, हाँ, तो उसे उत्साह कहते हैं। केवल कष्ट सहने से व निश्चिष्ट साहस में उत्साह नहीं दिखता है, खाली आप कष्ट सहते जाइए और निश्चिष्ट बिना चेष्टा किए, बिना प्रयत्न किए आप साहस करते रहिए तो उसे उत्साह नहीं कहा जाएगा। धृति और साहस दोनों उत्साह के बीच संचरण करते हैं। क्या क्या? धृति और साहस। धृति माने धैर्य और साहस, ये दोनों उत्साह के बीच संचरण करते हैं अपने शरीर में, ये उत्साह को और बढ़ाते हैं। यह है युद्धवीर का। दानवीर के अर्थ त्याग का साहस, अर्थात इसके कारण होने वाले कष्ट या कठिनता को सहने की क्षमता के अंतर्गत रहती है। दानवीरता तभी कही जाएगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन प्रवाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी। इस कष्ट या कठिनता की मात्रा या संभावना जितनी ही अधिक होगी, दानवीरता ही उतनी ऊंची समझी जाएगी। परंतु इस अर्थ त्याग के साहस के साथ ही जब तक पूर्ण तत्परता और आनंद के चिन्ह न दिखाई पड़ते, तब तक उत्साह का रूप ना खड़ा होगा। यह एक बहुत बड़ी बात बताई गई है दानवीर के बारे में। तो दानवीर हम किसे कहेंगे? आपके पास बहुत पैसा है, उसमें से आप 2,400 रुपये दे दिए, ये कोई थोड़ी दान कहा जाएगा। दान उससे कहा जाएगा जब अपने पेट से,
यानी कि जो अपने लिए रखा है, जिस दान देने से आपको थोड़ी सी कठिनाई हो, वो सच्चा दान होता है। किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी, और इसी कष्ट या कठिनता की मात्रा या संभावना जितनी अधिक होगी, आपको दान देने में व दान देकर अगर कष्ट हुआ, यानी कि आपने अपने जो अपने पेट के लिए रखा था, खाने के लिए रखा था, उसी में से अगर कुछ दान दे दिया, तो वो सच्चा दान है। तो ये दानवीर है। युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी ऐसे विकट काम होते हैं जिनमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है और प्राणहानि तक की संभावना भी होती है। अनुसंधान के लिए तुषार मंडित अब्रवीद फिर एक उदाहरण यहाँ दिया, इसे कैसे प्राणहानि तक भी हो जाती है शारीरिक कष्ट। मान लीजिए आपको पर्वत की चढ़ाई करनी पड़े, एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ाई करनी पड़े, और उसमें कई कष्ट आएंगे, संभव हो आपकी जान भी चली जाए, तो ऐसे भी संभावना रहती है। तो अनुसंधान के लिए तुषार मंडित अभ्रवेदी अगम्य पर्वतों की चढ़ाई, ध्रुव देश या सहारा के रेगिस्तान का सफर, क्रूर बर्बर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगल में प्रवेश इत्यादि भी पूरी वीरता और पराक्रम से कर्म है। अगर आप पर्वत की चढ़ाई करनी पड़े, बा ध्रुव देश यानी कि पोलार, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल जो ध्रुव देश है, वहाँ आपको अगर जाना पड़ा, बर्फ जहाँ बिछी हुई होती है, या सहारा रेगिस्तान जो है, सहारा रेगिस्तान, वहाँ अगर आपको सफर करनी पड़े, या कोई कबीलाई जाति क्रूर और बर्बर जातियों के बीच अज्ञान घोर जंगल में प्रवेश करके पूरी वीरता और पराक्रम से अगर आप कर्म करें, तो ये सच्चा आपको वीर कहलाएगा, क्योंकि इसमें आनंद शामिल है, इसमें आनंद शामिल है। मनुष्य शारीरिक कष्ट से पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। मानसिक क्लेश की संभावना से बहुत से कर्मों के और प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उससे दूर रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, समाज में आपको उपहास सहना पड़ेगा, निंदा सहनी पड़ेगी, अपमान सहना पड़ेगा, और इस सब का भय भी रहता है। और इन सब भयों के बावजूद भी अगर आप कुछ कल्याणकारी वेलफेयर मेजर्स व कल्याणकारी बातें चीजें व कर्म करने जाएंगे, तो ये आपका साहस कहा जाएगा। प्रत्येक हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से ये बुरे कहे जाएंगे, लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान ना रह जाएगा। लोग तो कहेंगे लोग निंदा उपहास उपहास अपमान ये सब करते रहेंगे, तो इन सब भय से परहेज किए बिना अगर आप कर्म करते जाएंगे, तो ये सच्चा वीर कहा जाएगा। तो फिर किसी शुभ परिणाम पर दृष्टि रखकर निंदा स्तुति मान सम्मान आदि की कुछ परवाह न करके प्रचलित प्रथाओं का उल्लंघन करने वाले वीर या उत्साही कहलाता है। उत्साह और उत्साही, उत्साही हम किसे कहेंगे, किसी शुभ परिणाम पर दृष्टि रखकर निंदा स्तुति मान अपमान आदि की कुछ परवाह न करके प्रचलित प्रथाओं का उल्लंघन करने वाले वीर या उत्साही कहलाता है। हमारे संसार में व हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी रूढ़ी परंपराएं हैं, प्राचीन काल से जो चलती आ रही है, उन सब का उल्लंघन भी हम लोगों को करना पड़ेगा। आप आधुनिक युग के विद्यार्थी हैं, आधुनिक युग के हम संतान हैं, तो उन प्रथाओं को भी उल्लंघन करना पड़ता है, और उसके लिए कभी कभी मान सम्मान अपमान निंदा ये सब भी सहना पड़ता है। तो इन सब के परे हमको भी आगे बढ़ना है। वे केवल उत्साही या साहसी कहे जाने के लिए ही चली जाती हुई प्रथाओं को तोड़ने की धूम मचाया करते हैं, शुभ या अशुभ परिणाम से उनसे कोई मतलब नहीं। तो ये है फिर।
ऐसे अच्छे लोगों के साहस या उत्साह की अपेक्षा उन लोगों का उत्साह या साहस भाव की दृष्टि से वही अधिक मूल्यवान है जो किसी प्राचीन प्रथा की, चाहे वह वास्तव में हानिकारिणी ही हो, उपयोगिता का सच्चा विश्वास रखते हुए प्रथा तोड़ने की निंदा, उपवास, अपमान आदि सहा करते हैं। तो उन सबको परवाह किए बिना निंदा, उपवास, अपमान ये सब को सहते हुए अगर प्रथा, जो परंपराएं हैं, बुरी परंपराएं हैं, उनको तोड़ते हैं तो आप सच्चे वीर कहलाएंगे। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। तो उत्साह जैसा कि हमने पहले देखा तो ये आनंद की कैटेगरी में आता है। तो ये अच्छे यहाँ बता रहे हैं कि उत्साह को हम किसके कैटेगरी में रखते हैं, अच्छे गुण, गुड क्वालिटी में उत्साह को गिना जाता है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम से होता है। हम किसको अच्छा कहेंगे, किसको बुरा कहेंगे, तो उसके परिणाम, ये उसके परिणाम पर निर्भर होता है, उसके कंक्लूजन यानी कि उसके जो परिणाम, उसके रिजल्ट जो है, अगर रिजल्ट शुभ में है तो ठीक है, अगर अशुभ में है तो अशुभ है, बुरा है। सही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य प्रतीत नहीं होता। यहाँ कर्म की बात है, कर्तव्य कर्म, ड्यूटी निभाना, कर्तव्य कर्म करते हुए हमें सुंदर दिखाई पड़ता है, और अकर्तव्य जो हमें करना नहीं चाहिए ऐसे अगर हम काम करें तो वैसे उत्कृष्टता, श्लाघ्य का मतलब है उत्कृष्ट व अनुपम, पतित नहीं होता है, लोग हमें वैसा सम्मान नहीं देंगे। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंचा सकता। देखो हमारे समाज में कुछ चोर हैं, डाकू हैं, जो दूसरे को पीड़ा देते हैं, दूसरे को कष्ट देते हैं, बा बहुत मेहनत करके चोरी करते हैं, बा डकैती करते हैं, तो उन्हें हम साहस थोड़ी कहेंगे। हम साहस किसे कहेंगे जो आत्मरक्षा, पररक्षा, दूसरे की रक्षा करता है और सर्वोपरि देश की रक्षा करता है, वो साहस या उसमें जो उमंग देखी जाती है उसमें सौंदर्य का भाव रहता है। जो कि परपीड़न, दूसरे को कष्ट पहुंचाना, डकैती आदि कर्मों से देखने को नहीं मिलता है। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा थोड़ी बहुत होती है। अब मान लीजिए समाज मंगल के लिए अगर किसी गुंडे को आपने पीट दिए, ये तो अच्छी बात है, आपने दूसरे को पीड़ा पहुंचाई, लेकिन समाज मंगल के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, तो इसमें कोई हानि नहीं है। तो ये अच्छे शुभ कर्म के कैटेगरी में आएगा। अब तक उत्साह का प्रधान रूप हमारे सामने रहा, अब तक हम जो पढ़ते आए इसमें उत्साह का प्रधान रूप सामने आया, जिसमें साहस का पूरा योग रहता है, और इसमें साहस का योग बहुत बड़ी मात्रा में रहती है। पर कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परतापूर्ण आनंद देखा जाता है वह भी उत्साह कहा जाता है। उत्साह में एक और चीज, एक और बात हम देखते हैं कि कर्म के संपादन में जो तत्परतापूर्ण आनंद देखा जाता है, तत्परता, सिंसियरिटी, सिंसियरिटी, लगन, लगन के साथ अगर आप काम करते हैं अपने कर्म को, तो वो उत्साह है। अपने ड्यूटी को आपकी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन जबरदस्ती आप उसको करते हैं तनख्वाह के लिए, तो वो अच्छी बात नहीं। कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परतापूर्ण आनंद, बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ, तत्परता के साथ, लगन के साथ, हाँ, अगर काम करेंगे तो उसमें उत्साह। सब कामों में साहस अपेक्षित नहीं होता, पर थोड़ा बहुत आराम, विश्राम, सुबीते के लिए भी किया जा सकता है, थोड़ा आराम भी उसमें जरूरत है।
जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावनाओं के साथ दिखाई पड़ता है, तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या किसी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ती है, तो वो उत्साह की संज्ञा के अंतर्गत नहीं। तो क्या बड़ी बात है, आनंद 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 के साथ लगाव, आनंद के साथ, बड़ी सिंसियरिटी के साथ, विथ हैप्पीनेस, आनंद के साथ आप करते जाइए अपने काम को, जरूर सक्सेसफुल होंगे, जरूर सफल होंगे। यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार, फिर उदाहरण दिया, देखो कैसे इसी चीज को, इस गंभीर बात को कैसे बड़े हल्के ढंग से सुंदर उदाहरण, सहज उदाहरण पेश करके आपको समझाते हैं। यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर हम चुपचाप ज्यों का त्यों आनंदित होकर बैठे रह जाएं और थोड़ा हंस भी दें, तो ये हमारा उत्साह नहीं कहा जाएगा। मान लो कि आपके एक बहुत अच्छे फ्रेंड, बहुत अच्छे मित्र काफी दिनों के बाद आपके गांव में आ रहे हैं व आपके पास आ रहे हैं, आपने उनको देखा, कोई रिएक्शन नहीं, बस खाली मुस्कुरा दिया, तो इससे उत्साह नहीं कहा जाएगा। उत्साह तो तभी कहा जाएगा जब आप उठ के उसके हैंडशेक करेंगे व उसके गले मिलेंगे, प्रसन्न होकर थोड़ा बहुत बातें करेंगे, बिठाएंगे, तब जा करके जो मित्रता का जो है आनंद, ये देखने को मिलता है, ये लक्षण हमको देखने को मिलता है। एक और बात है बुद्धि। बुद्धि प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि का योग होता है। बुद्धि बुद्धि का इस्तेमाल कुछ कर्मों में तो बुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता दोनों बराबर चाल, कुछ कामों में तो बुद्धि और कर्म, बुद्धि और शरीर की तत्परता बराबर साथ साथ चलती है। उत्साह ही उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है, उसी प्रकार बुद्धि भी बुद्धि से भी काम कराती है। उत्साह अगर है आपके मन में तो उत्साह आपको उमंग दिलाती है, यानी कि हाथ पैर चलाती है का मतलब, हाथ पैर चलाती है का मतलब आपको एक्टिव रखता है, आपको कर्म करने के लिए प्रवृत्त करता है, प्रेरित करता है, और उसी प्रकार बुद्धि बुद्धि से भी काम कराती है। खाली हाथ पर हिलाने से नहीं चलेगा, बुद्धि भी तो, बुद्धि का भी तो इस्तेमाल चाहिए। तो ऐसे उत्साह वाले वीर को क्या कहा जाता है, कर्म वीर या युद्ध वीर। ये प्रश्न फिर एक उदाहरण दिया, मुद्रा राक्षस के नाटक में देखने को मिलता है, जहाँ चाणक्य और राक्षस के बीच जो बातें चली है वो नीति की है, शास्त्र की नहीं। नीति और शास्त्र ये दोनों जो है कैसे पैरेलल, इसमें चलता है, समांतर रूप से चलता है। इसको उदाहरण रूप में प्रस्तुत करके कर्म में किस प्रकार बुद्धि का योग होना चाहिए उसको भी दिखाया गया है। बुद्धिवीर किसे कहेंगे ना, बुद्धिवीर के दृष्टांत कभी कभी हमारे यहाँ पुराने ढंग के शास्त्रास्त्र में देखने को मिलता है। हमारे शास्त्रों में बुद्धिवीर का बहुत उदाहरण मिलेगा। जिस समय किसी भारी शास्त्रास्त्र पंडितों से भिड़ने के लिए कोई विद्यार्थी, फिर एक उदाहरण प्रस्तुत किया, मान लीजिए कि प्रकांड पंडित बैठे हैं हमारे सामने और उनसे भिड़ने के लिए एक विद्यार्थी जो उसे साहस भी नहीं कर सकता है, लेकिन वो साहस समेट करके कोई विद्यार्थी उस विराट पंडित के सामने अपने बुद्धि और साहस की उस सभा में आता है, तो उसके बुद्धि और साहस की प्रशंसा अवश्य होती है। देखो कितना छोटा सा बच्चा है, हमने कोणार्क, आपने कोणार्क की जो जगदीश चंद्र गुप्त के जो कोणार्क नाटक है उसमें आपने देखा है, हमारे उड़ीसा में है, कितने कारगर थे उन कारीगरों ने, जो मंदिर की चोटी वो बना नहीं पाए, लेकिन एक छोटा सा बच्चा है जो 12 साल का, धर्म वो जाकर के बना दिया। तो उसे हम साहसी कहेंगे, बुद्धिवीर कहेंगे, वो बुद्धिवीर है धर्मपद। तो इस जमाने में वीरता का प्रसंग उठाकर बागवीर का उल्लेख यदि न होगा तो बात अधूरी होगी। बागवीर एक और शब्द आता है, बागवीर, बाग का मतलब बात, बागवीर अपने भाषण, अपने वक्तव्य, अपने बातचीत
के माध्यम से अगर किसी की युक्ति को, तर्क को आप काटते हैं तो आप वाग्वीर कहे जाएंगे। तो ये वाग्वीर भी एक बुद्धि की बात है, तो इसमें बुद्धि का इस्तेमाल है। थोड़ा ये देखना चाहिए कि उत्साह में ध्यान किस पर रहता है, किस पर रहता है, कर्म पर रहता है। कर्म सर्वोपरि है, कर्म बहुत बड़ी चीज है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार कर्म पर होना चाहिए, कर्म पर होना चाहिए। आप कर्म करते जाओ, फल जरूर मिलेगा और फल का जो स्वाद है जरूर मीठा मिलेगा। तो इसलिए कर्म सबसे बड़ी चीज है। तो यहाँ कर्म और फल, ये दोनों का जो द्वंद है ये दिखाते हैं। गीता में भी यही कहा गया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस निबंध के माध्यम से भी यहाँ प्रस्तुत किया है। क्या कहते हैं, थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि उत्साह में ध्यान किस पर रहता है, कर्म पर, इसके फल पर या व्यक्ति और वस्तु पर। उत्साह का ध्यान किस पर रहना चाहिए, कर्म पर रहना चाहिए कि फल पर रहना चाहिए या किसी वस्तु पर रहना चाहिए। मान लो कि हम कोई काम करते हैं, पहला है कर्म करते जाओ, दूसरा है इसका जो रिजल्ट है वो फल, और तीसरा है इस कर्म करने के जो मूल्य मिलता है वस्तु, वो धान चावल सोना पैसा कुछ भी। तो आप क्या चाहिए, तो उत्साह में क्या चाहिए, ये बड़ा सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे विचार में। उत्साह, उत्साह ही वीर ध्यान आदि से अंत तक पूरी कर्म श्रृंखला पर से होता हुआ उसकी सफलता रूपी समाप्ति तक फैला रहता है। इसी ध्यान से जो आनंद की तरंग उठती है वे ही सारे प्रयत्न को आनंदमय करती है। युद्ध वीर में विजेतव्य को आलंबन कर। अच्छा, जो बात हमने कही थी कि गीता में भी यही कहा गया है, तो सबसे बड़ी बात है उत्साह में कर्म बड़ा है, कर्म चाहिए कि फल चाहिए कि वस्तु चाहिए या किसी व्यक्ति चाहिए। इसमें लेखक कहते हैं ना, पूरी कर्म श्रृंखला पर आपका ध्यान होना चाहिए, पूरी जो सीरीज है वर्क सीरीज, कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ और फल की आशा ना करो। अगर आपने अच्छा कर्म किया फल तो जरूर मीठा होगा, फल जरूर अच्छा मिलेगा, तो इसकी सफलता आपके हाथ लगेगी। तो आप समाप्ति तक, काम खत्म होने तक कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ और अंत में जरूर आपके हाथ मीठा लगेगा, फल जो मिलेगा वो जरूर मीठा होगा। इसी ध्यान से जो आनंद की तरंगें उड़ती है वे ही सारे प्रयत्न को आनंदमय बना देती है। भगवान कृष्ण ने तो यही कहा है, कर्म करते जाओ। तो आनंद की तरंगें बड़े उमंग के साथ, बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ कर्म करते जाओ और आनंद पूर्ण कर्म के बाद अंत में जो मिलेगा वो फल हो या चाहे कुछ भी, मान लो फल नहीं भी मिला, आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की, बड़े कठिन परिश्रम किए, कुछ भी कारण से आपका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, लेकिन उसमें हार मानने की कोई बात नहीं, कम से कम आप इतना तो संतुष्ट होंगे कि हमने कर्म तो अच्छे किए थे। और ये बात सही है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, ये बिल्कुल प्रूफ है, प्रमाणित है। युद्धवीर में विजेतव्य को, अच्छा यहाँ युद्धवीर में जो विजेतव्य को आलंबन कहा जाता है, विजेतव्य यानी आप जिसको विजय प्राप्त करेंगे वो आलंबन है। आलंबन का मतलब है आश्रय, आश्रय बेस, जिसके कारण आप मेहनत करते हैं। तो विजेतव्य आपका एम है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। उसका अभिप्राय यही है कि विजेतव्य कर्म प्रेर के रूप में वीर के ध्यान में स्थिर रहे, वो कर्म के स्वरूप का भी निर्धारण करता है पर आनंद और साहस के मिश्रित भाव का सीधा लगाव उसके साथ नहीं रहता। सच पूछिए तो वीर के उत्साह का विषय विधेयक कर्म या युद्ध ही रहता है। दानवीर, देखो जो युद्धवीर है उसका कार्य है लड़ाई करना, लड़ते जाओ लड़ते जाओ लड़ते जाओ। देखो हमारे सैनिकों ने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ जो भिड़ंत की
उस भिड़ंत का परिणाम आज हम देख रहे हैं। अंतिम जो निर्णय मिला है हमको चीनी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, तो ये कम बड़ी बात नहीं है। तो कर्म का फल जरूर मीठा होगा। तो दानवीर और धर्मवीर पर विचार करने से पहले ये बात स्पष्ट हो जाती है। दान दानवीर धर्मवीर ये कैसे? दान दयावश, दया दिखाकर हम दान करते हैं, श्रद्धावश या कीर्ति लोभवश दिया जाता है। दान दान हम कैसी परिस्थिति में देते हैं? दया करके, बस श्रद्धा करके, बस कीर्ति अपने अपने फेम व अपने यश प्राप्ति के लिए करते हैं। ये तीन चीजों के लिए करते हैं। यदि श्रद्धावश दान किया जा रहा है तो दान पात्र वास्तव में श्रद्धा का, यदि कर्मवश दिया जाता है तो पीड़ित यथार्थ में दया का विषय या आलंबन ठहरता है। दान दया के लिए और दान पात्र वास्तव में श्रद्धा का, बड़े श्रद्धा के साथ दिया जाता है। और यदि कार्यवश दिया जा रहा है तो पीड़ित यथार्थ में दया का विषय या आलंबन ठहरता है। जो पीड़ित जो गरीब है, मान लीजिए कोई गरीब है, भुखमरी है, जैसे कोरोना काल में जो आपने हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत दान किया, वो उनको देख करके, उनको खाने को नहीं मिलता है, चलो कुछ दे दिया जाए, तो ये वे आलंबन, तो उनको आलंबन मान करके हमने दान किया। अतः उस श्रद्धा या दया की प्रेरणा से जिस कठिन और या दुस्साध्य कर्म की प्रवृत्ति होती है, इसी की ओर उत्साह का साहसपूर्ण आनंद उन्मुख कहा जाएगा। ये जो हम कर रहे हैं, ये इसको उत्साह उत्साह का साहसपूर्ण आनंद उन्मुख कहा जाएगा। साहसपूर्ण आनंद उन्मुख, बड़ी साहसता के साथ, आनंद के साथ हम उसकी ओर उन्मुख होते हैं। अतः और रसों में आलंबन का स्वरूप, ये आलंबन एक रस का विषय है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संजोगात रस निष्पत्ति, जो ये रस की बात है, तो ये रस में से ये आलंबन को लिया गया है। तो बाकी जो दूसरे रस हैं, दूसरे रसों में आलंबन का स्वरूप जैसा निर्दिष्ट रहता है, वैसा वीर रस में नहीं। ये वीर रस उस रस में से एक है, ये वीर रस में अलग बात है। बात यह है कि उत्साह एक योगिक भाव है। उत्साह क्या भाव है? योगिक भाव। इसमें दो चीजें, दो से अधिक चीजें मिली हुई होती है, एक से नहीं होगा। जिसमें क्या क्या दो चीजें? एक है साहस, दूसरा है आनंद। अगर आपके मन में साहस और आनंद का मेल हो जाए ना, तो आप कभी भी हार नहीं मानेंगे, जरूर सफल हो। जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती है, उसकी ओर उन्मुख कर्म होता है और कर्म की ओर उन्मुख उत्साह नामक भाव होता है। कर्म की ओर उन्मुख होना, कर्म की ओर उन्मुख होना उत्साह कहा जाता है। सारांश ये है कि देखो, फिर वही कंक्लूजन। तो इन्होंने जो ऊपर कहा गया, तो निष्कर्ष रूप ये कहना चाहते हैं कि सारांश ये है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता, सीधा लगाव नहीं होता। उदाहरण उदाहरण क्या है? समुद्र लांघने के लिए जिस उत्साह के साथ हनुमान उठे हैं, उसका कारण समुद्र नहीं, समुद्र लांघने का विकट कर्म। समुद्र के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है, उनका क्या मकसद है? समुद्र को लांघने का विराट कर्म, ये उनके ऊपर सवार था। तो कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति भावना नहीं। अब क्लियर हो गया? कर्म भावना, तो सबसे बड़ी बात क्या है? कर्म कर्म ही उस उत्साह के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। कर्म कोई कोई न वस्तु न कोई व्यक्ति, अगर कोई बड़ा है तो कर्म है, यही उत्साह के लिए प्रेरित करता है। और निबंध तो बहुत बड़ा है, तो आगे चल करके निबंध के कर्म के तीन यहाँ भेद किए गए हैं। कर्म के तीन रूप बताए गए हैं, एक कर्म भावना से उत्पन्न, एक फल भावना से उत्पन्न, एक आगंतुक या विषयांतर से प्राप्त। तो कर्म में तीन प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं, एक कर्म भावना से उत्पन्न, एक फल भावना से उत्पन्न। कोई काम करके, प्रयत्न करके जो आनंद मिलता है, उसका सुख प्राप्त करता है। कोई कर्म इसलिए करता है कि मुझे पैसा मिलेगा। देखो,
ये काम अगर कर दोगे तुमको 1 लाख रुपया मिलेगा। अगर ये काम कर दोगे तुमको 1 लाख रुपया मिलेगा। अगर ये दीवार को तुम लांग लोगे तो तुमको 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो हमारे सामने क्या रह जाता है? पैसा, 5 लाख रुपया। तो कर्म बड़ा नहीं होता है, तो पैसे को सामने रख करके। और दूसरा है आगंतुक या विषयांतर, कुछ अलग तीसरी कैटेगरी की है। तो ये तीनों को यहाँ समझाया गया है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। और फल की भावना से उत्पन्न आनंद की आनंद भी साधक कर्मों की और हर्ष और तत्परता के साथ निवृत्त करता है। पर फल का लोभ जहाँ प्रधान रहता है, वहाँ कर्म विषय के आनंद उसी फल की भावना की तीव्रता और मंदता पर अवलंबित होता है। ये बहुत बड़ी बात बताई है। अगर आपका ध्यान, आपका लक्ष्य फल का लोभ, रिजल्ट पर रहेगा, रिजल्ट पर रहेगा। देखो कर्म एक साधन है, साधन करते जाओ, साधना करते जाओ, साधना करते जाओ। लेकिन वही जब साध्य बन जाए, साध्य बन जाए, तो ये बहुत बुरा होता है। उदाहरण स्वरूप हमको फर्स्ट डिविजन मिलना है, अगर यही ध्यान में रह गया तो आप किसी भी तरीका, मतलब दूसरे तरीके अपना करके, अनैतिक तरीके अपना करके भी आप फर्स्ट डिविजन को प्राप्त कर सकते हो। क्या आपको संतोष मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छी पढ़ाई करके, अच्छे कर्म करके फर्स्ट डिविजन को प्राप्त करते, तब आपके मन में जो संतोष होता वो स्वर्गीय संतोष होता। इसलिए यहाँ कहा गया है, पर फल का लोभ जहाँ प्रधान रहता है, जब आपका लक्ष्य, जब आपका उद्देश्य फल पर रहता है, फल जब हावी हो जाता है आपके ऊपर, तो क्या होता है? साधक कर्मों की ओर हर्ष और तत्परता के साथ निवृत्त होता है। हाँ, पर फल का लोभ जहाँ प्रधान रहता है, वहाँ कर्म विषय के आनंद उसी फल की भावना की तीव्रता और मंदता पर अवलंबित होती है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको 5 लाख रुपए पर है, दीवार को तो आप कैसे भी लांग लांग सकते हैं, क्योंकि 5 लाख रुपया हमारे सामने है। तो ये है, तो कर्म की प्रधानता उसमें घट जाती है, लक्ष्य की प्रधानता बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम यही कहना चाहेंगे कि कर्म ही, ये पूरे निबंध में एकमात्र कर्म की प्रवरता व कर्म की ओर प्रेरित होने की बात कही गई है। तो यही है, लेकिन समय की कमी के लिए मैं इसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अंत में आप देखिए, अंतिम पैराग्राफ, ये बात उत्साह में नहीं अन्य मनोविकार में भी बराबर पाई जाती है। यदि हम किसी बात पर क्रुद्ध बैठे हैं और इसी बीच कोई दूसरा आकर के हमें इस बात पर सीधी तरह से पूछता है, तो हम उस पर झुंझला उठते हैं। यहाँ एक और बात कही गई है, बीच में थोड़ा सा संपर्क कट गया, कैसे मनोविकार भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उत्साह भी एक मनोविकार संबंधी भाव और मनोविकार संबंधी निबंध है। इसमें मान लीजिए कोई बैठा है, आप ही बैठे हैं बहुत ही गुस्से में, कोई बहुत ही क्रुद्ध होकर के, बहुत गुस्से में होकर के बैठे हैं, और इस समय कोई आकर के आपको पूछता है, तो आप झुंझला उठते हैं, आपका क्रोध बिलबिला उठता है। तो ये झुंझलाहट का ना तो कोई निर्दिष्ट कारण होता है, ना उद्देश्य। आप अकारण ही आप क्रोध करने बैठते हैं, जबकि उसने आपका कोई सीधी तौर पर दोष नहीं किया। ये केवल क्रोध की स्थिति के व्याघात को रोकने के कारण, अरे मैं गुस्से हूँ, गुस्से में हूँ, मेरे गुस्से को प्रकट करने दो, और उसमें कोई खलल पड़ी तो आप तिलमिला उठते हो। तो ये बात है, तो क्रोध को बनाए रखने के लिए हम उन बातों से भी क्रोध ही संचित करते हैं जिनसे दूसरी अवस्था में हम विपरीत भाव प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार यदि हमारा चित्त किसी विषय में उत्साहित रहता है, तो हम अन्य विषयों में अपना उत्साह दिखा देते हैं। यदि हमारा मन बड़ा बड़ा हुआ रहता है, तो हम बहुत से काम प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए तैयार होते हैं। मन बड़ा, आप मन को बड़ा कीजिए और उत्साह कर्म में प्रेरित होइए। और इसी बात का विचार करने के लिए सलाम साधक लोग हाकिम से मुलाकात करने से पहले अर्दलियों से ही उनका मिजाज पूछ लिया करते हैं। और रामचंद्र शुक्ल की यह बहुत बड़ी शैली है कि, जो हमने नहीं बताया अब तक,
कभी कभी गंभीर बात को थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। ये जो गंभीर बात यहाँ तक हम चर्चा करते आ रहे हैं, अंत में उन्होंने बताया, आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, जब किसी दफ्तर में जाते हैं बड़े बाबू से मिलने के लिए व साहेब से मिलने के लिए, पहले जो उनका अर्डरली है तो उसे पूछ लिया करते हैं, साहब का दिमाग कैसा है, ठीक तो है? अगर वो बुरे मूड में है, खराब मूड में है, तो काम भी नहीं होगा, उल्टा गाली खा करके आप आएंगे। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि इसी बात का विचार करके सलाम सादत लोग हकीम से मुलाकात करने से पहले अर्दलियों से उनका मिजाज पूछ लिया करते हैं। अरे भाई, साहब का दिमाग कैसा है, साहब का मिजाज कैसा है, ठीक है कि नहीं, मैं जाऊं कि नहीं? तो यह है भाव और मानवीकार संबंधी निबंध, बहुत अच्छा निबंध है और विद्यार्थियों को इसे पढ़ना जरूरी है। ये विद्यार्थियों के जीवन के लिए भी, अपने व्यक्तित्व के लिए भी बहुत अच्छा काम देगा। इसके बाद हम कुटज पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कुटज एक बहुत अच्छा निबंध है। कुटज एक पहाड़ी पौधा है, खास करके हिमालय की तराइयों में इसे देखने को मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक व्यक्तिपरक निबंध है, व्यक्तिपरक निबंध है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैसे कि हम निबंध की संज्ञा और संज्ञा पर चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार लेखक का व्यक्तित्व इसमें रहता है, और कुटज में लेखक का व्यक्तित्व, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व उसमें कुट कुट कर भरा हुआ है। इस निबंध का रचना काल 1960 ईसाई है, 1960। कुटज एक पहाड़ी पौधा है और इस पहाड़ी पौधा के माध्यम से जीवन के बारे में अत्यंत सार्थक बातें सहज रूप से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बताने का प्रयत्न किया है। एक व्यक्तिपरक निबंध है। निबंध में इस कुटज निबंध के माध्यम से एक पौधे के महान बहाने, पौधा कौन सा है, कुटज, जो कि हिमालय में एक छोटा सा ठेंगना सा पेड़ है, उसके सफेद सफेद फूल होते हैं, छोटा पेड़ है लेकिन चट्टानों में ये उगता है जहाँ पानी नहीं है, लेकिन उसकी जो जड़ है पता नहीं कहाँ से रस चूस लेता है, कहाँ से वो पानी खींच लेती है और वो हरा भरा रहता है। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है, ये वनस्पतियों को पता होगा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये प्रकृति को लेकर के, खास करके जो पेड़ पौधे हैं उनको लेकर के बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखे हैं। तीन ऐसे निबंध हैं जिनका जिक्र मैं करना चाहूँगा। एक तो कुटज है, दूसरा है अशोक का फूल। अशोक के फूल में उन्होंने भारतीय संस्कृति में अशोक के फूल का क्या वैशिष्ट्य है, क्या विशेषता है, उसको वर्णन किया है। और तीसरा है शीरीष का फूल। शीरीष का फूल, ये तीन बहुत अच्छे निबंध हैं। कुटज जो कि एक पहाड़ी पौधा है, अशोक का फूल, अशोक के फूल की जो महिमा है, उसकी जो मेडिसिन बा जो औषधीय गुण है, भारतीय संस्कृति में इसका क्या महत्व है, उसके बारे में कहा गया है। और इसके साथ साथ ही शीरीष का फूल, शीरीष का फूल बहुत कोमल होता है, लेकिन वो किस प्रकार जून, मई और जून के महीने में ये इतनी चिलचिलाती धूप में ये किस प्रकार पेड़ पे ये खिलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ जो उसके जो फक्कड़पन है, गांधी जी के साथ उनकी तुलना की, वो भी एक फकीर है, गांधी भी एक फकीर है, कबीरदास के भी साथ भी तुलना की, क्योंकि कबीर भी एक फकीर थे। चलो, ये जो तीन निबंध हैं हजारी प्रसाद जी के, बड़े उत्कृष्ट निबंध हैं जो कि पेड़ पौधे के संबंध में है। इसका रचना काल 1960 में है। ये एक व्यक्तिपरक निबंध है, इसलिए इसलिए मैं व्यक्तिपरक कह रहा हूँ। हजारी प्रसाद जी के जीवन में भी ये घटना घटी थी और कुटज को एक प्रतीक मान करके इस निबंध की चर्चा की गई है। इस निबंध में एक पहाड़ी पौधा जो कि कुटज है, इसके बहाने द्विवेदी जी के कई कालों की जो सांस्कृतिक यात्रा है अपने जिंदगी में, अपने जीवन में जो घटी है, उसका वर्णन किया गया है। कुटज का मूल उद्देश्य है अपराजित रहो, अपराजित रहो, जिजीविषा, जिजीविषा, जीने की इच्छा, जीते जाओ, अपराजित रहो, हार मत मानो।
हार मत मान। कई आएंगे विपत्ति, कई प्रॉब्लम्स आएंगे, कई असुविधाएं आएंगी, हार नहीं मानना, व्यक्ति को हार नहीं मानना चाहिए। तो द्विवेदी जी ने भी हार नहीं मानी, बनारस छोड़कर के चंडीगढ़ चले गए। मैं बताऊंगा आपको, तो कुटज का मूल उद्देश्य है अपराजित रहो। कुटज जिस काल की रचना है उस काल में द्विवेदी जी बनारस के काशी विश्वविद्यालय में टीचर थे, लेकिन जाति गोत्र ये सब को लेकर के वो उनको राजनीति का शिकार होना पड़ा था और उन्हें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाना पड़ा, तो बनारस छोड़ करके वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चले गए। फिर बनारस लौटे और बनारस से ही रिटायर हुए। इससे पहले वो शांतिनिकेतन में थे जहाँ उन्होंने शिरीष के फूल लिखा था। वे इस पौधे के बहाने, मेरा सौभाग्य है कि जो शिरीष का फूल है, शिरीष के फूल निबंध का जो पहली लाइन है, जहाँ बैठ के मैं ये निबंध लिख रहा हूँ, इसके आसपास बहुत सारे शिरीष के पेड़ हैं, तो अभी भी वो शिरीष के पेड़ हैं शांतिनिकेतन में। मैंने वहाँ 10 साल से भी ज़्यादा गुजारा है। तो ये जो है, हाँ, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को बनारस छोड़ करके चंडीगढ़ जाना पड़ा। वे इस पौधे के बहाने जो उन समझौतावादी अवसरवादी स्वार्थ पर राजनीति करने वाले जो लोग हैं उन पर व्यंग किया है इस शरीर के पौधे के माध्यम से। तो ये शरीर, ये जो कुटज पौधे के माध्यम से, और ये कुटज अपने हैं, अपने को खुद कुटज की प्रवृत्ति, कुटज के गुण भले मानते हैं। कुटज व्यक्तित्व की अबाध स्वतंत्रता का कायल है। इसका खुद हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कुटज का जो व्यक्तित्व है खुद हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी व्यक्तित्व है। उसमें मस्ती है, फक्कड़पन है, आत्मविश्वास है, जो जीवन को सहज प्रवाह में लाने के लिए सहायता करता है। द्विवेदी जी के रचनाकाल रचनात्मक व्यक्तित्व के प्रकाशन के लिए ये निबंध बहुत ही उत्कृष्ट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व का समझना होगा तो इस कुटज निबंध के माध्यम से समझा जा सकता है। एक विषय उठाते हैं इस निबंध के माध्यम से, और इसके साथ साथ कई ऐसे विषय, सैकड़ों विषय इसमें मूर्तिमान हो उठते हैं। अगर इस निबंध को पढ़ेंगे तो पाएंगे बहुत सारे विषय हैं, खाली कुटज ही नहीं, इसके कुटज के माध्यम से बहुत सारे विषय को उन्होंने उठाया। इस निबंध मनुष्य के अनुभव को छूता है, क्योंकि अनुभव अपने व्यक्तित्व, अपने जीवन की घटना है। मनुष्य के हमारा जो समाज है, इस समाज ने मनुष्य को अपनी व्यवस्थाओं में इतना लपेट लिया है, इतना जकड़ लिया है कि मनुष्य घुटने लगा है और उसके दम घुटने लगे हैं। इसके साथ साथ उसमें जो आत्मविश्वास है वो भी कम होने लगे हैं, और आत्मविश्वास के साथ उसको जीना मुश्किल हो रहा है। तो कुटज हमें यही बताता है कि ये जड़ समाज में जड़ हुए जड़ होती जा रही जो मान्यताएं हैं, इसके बीच जो कुल है, गोत्र है, नाम है, इस महत्व को स्वीकारा जाता है। इसमें जो व्यक्तित्व है, जो टैलेंट है, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता, तो मनुष्य को आत्मविश्वास के साथ जीना मुश्किल हो जाता है। ये दुनिया बड़ा मतलबीपन है, स्वार्थी है, तो ये कुटच के माध्यम से ये हमको पता चलता है। आज समाज को इससे सीख लेनी चाहिए, इस कुटज निबंध से हमको ये सीख लेनी चाहिए। तो इस मतलबी परक समाज में जीने के लिए हमको क्या-क्या तरीके अपनाने चाहिए। भारत की संस्कृति मिलीजुली संस्कृति है, यहाँ अनेक जाति अनेक धर्म रहते हैं, परंतु हमारी विडंबना है, हमारा दुर्भाग्य है कि राजनीति ने इसको कैसा खोखला बना दिया है। तो इन सब से लड़ने की हिम्मत हमें कुटज निबंध से प्राप्त होती है। कुटज
एक अदम्य प्राण शक्ति का प्रतीक है, एक दुर्दम्य जिजीविषा का प्रतीक है, जीने की इच्छा, जिजीविषा। जिजीविषा माने जीने की इच्छा, मरना नहीं है, संघर्ष करते रहो, जीने की इच्छा प्रबल होनी चाहिए, दुर्दम्य जिजीविषा। तो इसके लिए प्राण शक्ति जरूरी है, प्राण शक्ति, जीवन शक्ति जरूरी है। इसीलिए कुटज क्या करता है, छोटा सा ठिंगना सा पेड़ पहाड़ी की तराइयों में चट्टानों में वो उगता है, लेकिन उसकी जड़ जो है कहाँ पता नहीं पाताल से वो रस खींच लेता है और इतना हृष्ट पृष्ट और खिला हुआ है। तो इससे हमको प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य जीवन में कई सारी असुविधाएं आएगी, कई कठिन परिस्थितियां आएगी, इन सब कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी हमको जीना है, जीते रहना है। तो ये जो दुर्दम्य जिजीविषा है मन में, ये रहनी चाहिए, बरकरार रहनी चाहिए। हर मनुष्य को मनुष्य की जिजीविषा बड़ी होनी चाहिए, जो कि चट्टानों को फाड़ करके रस निचोड़ लेती है। तो कुटज की जड़ की भांति हर मनुष्य को भी इस जिजीविषा के साथ जीना चाहिए, और इसी जो खोखली और सूखी जो सूखा समाज है, इस समाज से ही रस खींच करके बड़ा बनना है, जीवित रहना है। तो आधुनिक मनुष्य की परिस्थिति से लड़ने की क्षमता ह्रास हो गई है, कम हो गई है। तो कुटज निबंध हमें यही प्रेरणा देती है कि जो जीवित शक्ति है, प्राण शक्ति है, उसका संचार करो और जीवित रहो, आगे बढ़ो। तो ये जो क्षमता है, इस क्षमता को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार आज कोरोना काल में हम इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए तत्पर होते हैं, तो ये जो हम प्राण शक्ति को जगाने के लिए, जिजीविषा के लिए, प्राण शक्ति को जगाने के लिए हम तत्पर होना चाहिए। जीने का मतलब स्वार्थ नहीं, खाली जीते रहना बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी तो जीते तो सभी हैं, जीते तो सभी हैं, लेकिन बिना स्वार्थ, बिना मतलब, लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए जियो। जीवन से हार नहीं मानना, जीवन से कभी हार न मानो। कई मुश्किलें आएगी, लेकिन इन मुश्किलों में आपको जिंदा रहना है। तो जीवन में कभी हार नहीं मानना, यही कुटज की शक्ति है, यही हमें वो शिक्षा देती है। कुटज मानवीय के जिजीविषा का प्रतीक बनाकर पेश किया है लेखक ने, मानवीय जिजीविषा। देखो उस छोटा सा पेड़ पहाड़ की, हिमालय की तराइयों में वो कैसे खिलता है, और तू इस तरह हार जाते हो। हे मनुष्य, तू इस कुटज से शिक्षा ले और जो मानवीय जिजीविषा है उसको बरकरार, ये सबसे बड़ी बात है। तो कुटज एक प्रतीक है मानवीय जिजीविषा का। कुटज को मानव रूप में यहाँ मानवीकरण किया गया है, कुटज को यहाँ मानवीकरण किया है, पर्सनिफिकेशन किया गया है। तो मानवीय रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है, और उसके साथ ही आत्मीय संबंध स्थापित किया है। कुटज जैसे कि कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं है, ये हमारा एक पड़ोस का है, हमारी तरह एक इंसान है। कुटज द्विवेदी जी के जो सोच है, जो व्यक्तित्व है, जो भावना है, उससे अलग नहीं है। कुटज का व्यक्तित्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व एक है। कुटज के माध्यम से साहित्य और संस्कृति की जीवंत परंपरा में पाठकों को ले जाते हैं, और समकालीन जीवन में व्याप्त विसंगति के बीच कुटज के माध्यम से मानवीय दृढ़ता के महत्व को भी प्रतिपादन करते हैं। तो जो इस कुटज के माध्यम से जो मानवीय दृढ़ता है उसको प्रतिपादन किया है इस निबंध के माध्यम से, ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई है इस निबंध के माध्यम से। और एक जो इस समाज में सुख दुख राग द्वेष से भिन्न अभिचल भाव से जीवन को जीना, यही कुटज हमें संदेश देता है इस निबंध से। इस कुटज निबंध के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि सुख दुख
राग द्वेष से अभिचल रह करके जीवन जीना, जिजीविषा, जीवन जीते रहो। सुख दुख आएंगे, सुखानिच दुखानिच, राग द्वेष ये सब आते रहेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। जिजीविषा, जीने की जो प्रबल इच्छा है, अदम्य इच्छा है, वो रहनी चाहिए। अपराजित रहना, अपने को कभी हार मत मानो। अपराजित मानवीय मनोवृत्ति के शाश्वत और कठोर सत्य को बड़े सहज रूप में यहाँ वर्णन किया है। जिस प्रकार उत्साह में आपने देखा, बड़े सहज रूप से वर्णन किया गया है, यहाँ भी इस निबंध के माध्यम से भी देखने को मिलता है। बड़ी गंभीर बात को, बड़े कठिन चीज को बड़े हल्के ढंग से, बहुत सहज ढंग से, सहज शब्दों में वर्णन किया है। ललित निबंध की कैटेगरी में इसे रखा गया है, हालांकि व्यक्तिपरक है, लेकिन ललित निबंध की कैटेगरी में रखा गया है। और ललित निबंध के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में कुटज निबंध को हम रख सकते हैं। और इसकी भाषा जो है, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों की भरमार वाली भाषा है। बहुत पांडित्यपूर्ण बौद्धिक विचार वाले शब्दों का यहाँ इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है। इसके बावजूद जो बातें बताई गई है, इतनी जटिल बातों को बड़े सहज ढंग से, इतनी सहज ढंग से वर्णन किया है कि यह बोझिल नहीं बना है, हमारे ऊपर बोझ नहीं बना है, और इसे समझने के लिए कोई कठिन कठिनाई हमें नहीं होती है। तो ये है हमारी ओर से, मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ। अच्छा, ये एक और निबंध है, सदाचार का ताबीज। ये सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई जी का एक बहुत ही उत्कृष्ट कहानी नुमा निबंध है। इसकी जो शैली है, निबंध की शैली है, लेकिन इसमें कहानी के तत्व तो कुछ हैं, इसलिए कोई इसको कहानी मानता है, कोई इसे निबंध मानता है, लेकिन ये एक कहानी नुमा निबंध है। इसमें जिसमें कि कथा बहुत है, इसमें कथा बहुत है, विचार कम है। और ये एक व्यंग निबंध है, और व्यंग में दिखाया गया है भ्रष्टाचार। हरिशंकर परसाई के अधिकांश निबंधों में, कहानियों में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़े मुद्दा के रूप में दिखाया गया है, विषमता बहुत बड़े मुद्दे के रूप में दिखाया गया है। जहाँ विषमता है वहाँ व्यंग है, क्योंकि विषमता से ही व्यंग पैदा होता है। हमारा समाज जो है विषमता से भरा हुआ है, और उसमें भ्रष्टाचार जो है बहुत बड़ी चीज है। उसमें सदाचार का ताबीज, ताबीज जो कि एक लकेट होता है, किस प्रकार ये जो भ्रष्टाचार है, नीचे से लेकर के ऊपर तक, सब सब स्टेजेस, जो स्तर स्तर हैं, हर स्तर में ये भ्रष्टाचार पाया जाता है, नीचे से लेकर के ऊपर तक। तो देखा गया कि राजा जी सिंहासन पर, महाराज जी सिंहासन पर बैठते हैं, उसके निर्माण में जो ठेका दिया गया था, उस ठेके में भी करप्शन है। तो जब बता गया कि आपके सिंहासन में भी भ्रष्टाचार है, तो राजा चौंक पड़ते हैं। तो एक दिन जाते हैं अपना भेष बदल करके, भ्रष्टाचार मेरे राज्य में भ्रष्टाचार। तो जाकर के एक कर्मचारी थे, उनको 5 रुपए की रिश्वत दी, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उस दिन 2 तारीख था। 2 तारीख में पकेट थोड़ा गर्म होता है, और घूस लेने के लिए हाथ इतना नहीं जाता है। लेकिन वही राजा जब 30 तारीख को, 31 तारीख को उसी मुलाजिम के पास पहुंचते हैं, उसी कर्मचारी के पास पहुंचते हैं, वो आराम से ले लेता है। तब राजा समझते हैं कि ये तो बड़ी समस्या है, क्या किया जाए। तो उन्होंने अपने जो परामर्श मंडली है, उनसे परामर्श किया, कि उन्होंने सलाह दी कि एक सदाचार का ताबीज बनाया जाए। और सदाचार का ताबीज बनेगा कैसे? तो हमारी जो सरकारी सिस्टम है वो ठेके से चलता है। जो मिडिल मैन है, यानी कि जो ठेकेदार है, वो सब प्रचलित है, आप सब जानते हैं किस प्रकार सरकारी जो कार्य होते हैं, बिल्डिंग्स बनते हैं, वह उसमें जो होते हैं, उसमें ठेकेदार का बड़ा रोल होता है। और उसमें ये पूरा, उसमें किस तरह की जो है
भ्रष्टाचार फैलता है वो सबको विदित है। तो उसमें एक ठेकेदार आते हैं और ठेका लगाने के लिए एक फैक्ट्री बनाई जाती है और उसमें से सदाचार के जो ताबीज हैं वो बनाए जाते हैं ताकि वो हर कर्मचारी उस राज्य के अपने हाथ में उसको बांधे रखें व गले में बांधे रखें जिससे कि भ्रष्टाचार वो ना कर पाए। लेकिन हुई उल्टी। तो कहने का मतलब है कि नीचे से लेकर के जो ऊपर तक का जो भ्रष्टाचार का जो स्तर है वो भरा रहता है। यहाँ छोटे से प्यून से लेकर के और महाराजा के मतलब सिंहासन तक। तो ये हमारे समाज में भ्रष्टाचार एक बीमारी के तौर पर फैल चुका है और ये बड़ी विषमता है हमारे समाज में। जब तक ये विषमता रहेगी, भ्रष्टाचार की विषमता रहेगी, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये हरिशंकर परसाई का एक बहुत बड़ा व्यंग है और आधुनिक साहित्य में व्यंग को एक बड़ी उत्तम विधा के रूप में अपनाया गया है और साहित्य में इसको अपनाया गया है। और हरिशंकर परसाई बहुत बड़े व्यंगकार हैं। हमारे 21वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में ये बहुत बड़े व्यंगकार के रूप में उभरे हैं और इसी सदाचार के ताबीज के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे समाज में, हमारी सामाजिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में, हर तरह की व्यवस्था में ये पूरी सामाजिक जो सिस्टम है ये बदलनी चाहिए। और ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इतनी जो ये बढ़ती जा रही है, ये बड़ी भयंकर स्थिति की तरह होती जा रही है, ये कम होनी चाहिए। तो यही इसके माध्यम से वो सलाह देते। ये देखिए, जो हरिशंकर परसाई है वो लेखक हैं। लेखक सवाल छोड़ देता है पाठक और दर्शकों पर। अब ये पाठकों को तय करना है क्या करे क्या ना करे, इसलिए उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया। बस जो मुद्दा है उसको रख दिया, घटनाक्रम को रख दिया। अब क्या करना है, कैसे करना है, आप करो। हमारी पाठक और लेखक के हिसाब से पाठक बहुत समझदार है, तो एक समझदार पाठक, एक समझदार दर्शक नाटक के लिए और कथा साहित्य के लिए पाठक पाठक बहुत समझदार होता है। और ये हमारे समाज में जो पाठक होते हैं, जो प्रजा है, ये जरूर समझती है क्या कहाँ काला है दाल में काला। तो ये जो है, ये बहुत बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे को, ये बड़ी विषमता को दूर करने के लिए उनका प्रयत्न है। एक साहित्यकार के रूप में जो रोल है उनका, एक साहित्यकार के रूप में जो उनकी उत्तरदायित्व है, इस उत्तरदायित्व को उन्होंने, ये जो सामाजिक दायित्व है उसको निभाने का प्रयत्न किया है। और विद्यार्थियों से कोई सवाल हो तो अभिषेक जी सर बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर आपका। अब मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि इस व्याख्यान से संबंधी उनके अगर मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई द्वंद हो, कुछ अपनी बात कहनी हो, कोई प्रश्न हो, तो यहाँ पे चैट बॉक्स के माध्यम से लिख करके पूछ सकते हैं, अन्यथा वो चाहें तो अपने माइक को अनम्यूट करके सीधे तौर पर सर से भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। सर मैं विद्यार्थियों को जब तक प्रश्न लिखते हैं, एक मेरा प्रश्न है, मैं निबंध नहीं आलोचना के तौर पर एक प्रश्न रखूंगा, क्योंकि जब हम देखते हैं हिंदी साहित्य में आलोचना का दौर जब शुरू होता है आधुनिक काल में, मुख्य रूप से देखते हैं पाश्चात्य की एक परंपरा जो क्रिटिक्स वाली परंपरा यहाँ पे आती है, तो उस सब दौर में ठीक है आलोचना के बहुत सारे मुख्य बिंदु थे, इसलिए आलोचना की जाती थी। पर आज के समय में जब हम आलोचना को देखते हैं, तो एक तरह से आलोचना थोड़ी सी राजनीति जैसी हो चुकी है। मतलब कुछ काम नहीं है, कोई बहुत बेहतरीन अगर लेखक भी हो, प्रेमचंद जैसे लेखक, उनके ऊपर एक पन्ने का आलोचना लिख दिया जाता है, उसे अच्छे अच्छे पत्र पत्रिका में छाप दिए जाते हैं, तो आलोचना कहीं ना बिल्कुल कहीं थोड़ी सी द्वंद वाली चीज भी हो गई है आज के दौर में। मतलब आपको किसी से कुछ खुन्नस निकालनी हो, मतलब लेखक की तौर पर भी, तो उसके ऊपर आप लिख दीजिए, उसकी ये चीज अच्छी देखो, नहीं है। राजनीति राजनीति की तरह साहित्य में भी, साहित्य भी व साहित्यकार भी खेमे में बंटे हुए हैं। आज देखो साहित्य में कितने खेमे हैं, विशेष करके जो आप राजनीति की बात उठा रहे हो, साहित्य में भी एक तरह की, जो आलोचना में भी एक तरह की राजनीति घुसी हुई है। कई हैं जो मार्क्सिस्ट, जो अपने आप को मार्क्सिस्ट कहते हैं, तो उनकी एक आलोचनात्मक पद्धति रही है। नंबर सिंह भी एक मार्क्सवादी आलोचक है, रामविलास शर्मा भी मार्क्सवादी आलोचक हैं,
और अंग्रेजी साहित्य में भी बहुत सारे ऐसे मार्क्सवादी आलोचक हैं, प्रगतिशील आलोचक हैं, लेकिन उनकी बात अलग थी। लेकिन आजकल ये जो है साहित्य को जो खेमे में बांट दिया गया है, ये हाँ एक विवाद का विषय है। कुछ इसको मानते हैं, अच्छा मानते हैं, कुछ इसको नकारते हैं, लेकिन गणतंत्र राष्ट्र में, चूंकि हम गणतंत्र राष्ट्र में जी रहे हैं, इसमें वाद विवाद तो होता रहता है, तर्क वितर्क होता रहता है, लेखक को अपना जो जो अपना विचार है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, तो चलो ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो बना रहे, उसमें कोई चीज नहीं, और उसमें जो सही चीज है उसको हम ग्रहण करें, बाकी छोड़ दें। जी, मैंने इसलिए कहा क्योंकि हरिशंकर गोसाई की जब हम रचना को पढ़ते हैं, उनकी एक लेखक संग्रह है प्रेमचंद के फटे झूठे, तो उसके संदर्भ में जब पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते तो एक जबरदस्त जबरदस्त व्यंग जी, है। उसके ऊपर भी आलोचना ये कर दी गई है कि ये बहुत सारे जो प्रेमचंद के जितने रचना है, इनकी जो भाषा शैली है, जैसे प्रेमचंद आदर्श उन्मुखी जो लिखा करते थे, तो उसमें भी मतलब इतनी अच्छी अच्छी रचनाओं में भी आलोचना के लिए कुछ ना मिले जो प्रेमचंद से संबंधित है। प्रेमचंद की जो पहले जो 1900 में जो रचना देखी जाती थी, वही सेम आज के दौर में देखी है, तो उसमें भी आलोचना एक डाल नहीं दी गई वो वजह से ठीक है, मैंने प्रेम ये खुद खुद बात प्रेमचंद भी बदले हैं, जी खुद प्रेमचंद गोदान तक आते आते वो भी प्रगतिशील, जब 1925 1935 के बाद जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, और प्रेमचंद खुद ही पहले पहली बैठक जो लखनऊ में हुई प्रगतिशील लेखक संघ की, उसमें उन्होंने सभापतित्व की, वो प्रेसिडेंट बने, तो जाहिर है कि प्रेमचंद कुछ विचार में भी, कुछ जो उन्होंने लखनऊ में दिया था पहला उनका भाषण, तो वो भी संकलित थे, और प्रेमचंद खुद ही गोदान के माध्यम से, कफन के माध्यम से 1936 तक आते आते प्रगतिशील हो जाते हैं, उनका जो आदर्श उन्मुख यथार्थवाद था वो यथार्थवादी हो जाते हैं। तो ये होता रहता है, लेखक में परिवर्तन होता रहता है। निराला भी देखो, जूही की कली लिखते हैं और अंत में जाकर के कुकुरमुत्ता, भिक्षुक, ये सब कविताएं लिखते हैं, तो परिवर्तन होता रहता है, चले जाइए। जी, और तो जो प्रेमचंद का फटा जूता, ये तो बहुत 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 अच्छा बेहतरीन रचना है। बेहतरीन लेख है हरिशंकर परसाई का। जी, इसलिए मैंने कहा कि उस जैसे इतने मतलब वो कालजयी जूता, रचनाओं में भी वो रोक जूता लग ऐसा जाता नहीं फटा है, है जी। समाज की जो विसंगतियां हैं, विसंगति को ठोकर मारते मारते वो जूता फटा हाँ सर, है। उसमें है ना कि मान लो विषमता रूपी जो पत्थर चट्टान पड़ा हुआ है, वो चाहते तो इधर से घूम करके भी जा सकते थे, लेकिन प्रेमचंद ऐसे जाने वाले व्यक्ति नहीं थे, तो उन्होंने उसको ठोकर मार करके फटाया, उसको गए इसलिए जूता फटाया। तो बड़ी अच्छी उसमें प्रतीकात्मक लेख जी, विद्यार्थियों अगर आपके कोई कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, अन्यथा चूंकि समय भी होता जा रहा है, तो हम अपने इस कक्षा को समापन की ओर लेके जाएंगे। तो आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि किन्हीं के कोई मन में द्वंद हो, प्रश्न हो, तो आप जल्द से जल्द यहाँ चैट बॉक्स के माध्यम से रखिए, अन्यथा अपने माइक को अनम्यूट करके भी सर के समक्ष रख सकते हैं। देखिए कुटज को नहीं, ये हाँ कुटज निबंध को मैं टच नहीं कर पाया, खाली उसका आलोचना हमने बता दी, लेकिन कुटज को भी पढ़ना चाहिए, और मैं विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहूँगा कि उस निबंध को पढ़ें, निबंध को पढ़ें। हमने तो उसके जो उद्देश्य है, उसका जो प्रतीकात्मक विचार है, वो हमने बता दिए, अगर विद्यार्थी इसको पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में समझ में आ जाएगा। जी सर, निबंध अपने आप में थोड़ी सी हिंदी में एक क्लिष्ट विधा है जी, हाँ हाँ थोड़ा सा क्लिष्ट ज्यादा पैदा, हाँ सर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कहानी नाटक वगैरह मैंने इसलिए उत्साह पर जोर दिया, क्योंकि उत्साह एक भाव और मनोविकार संबंधी साइकोलॉजिकल निबंध था, इसलिए हमने वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, 3-4 पेज हमने आलोचना की, बाकी तो हो नहीं पाया, लेकिन कुटज भी अच्छा निबंध है। जी, उत्साह तो सर चिंतामणि के चिंतामणि, अंतर्गत ही चिंतामणि भाग एक, एक उसका एक अंश चिंतामणि भाग एक। जी, उसी के अंतर्गत आता है उस जी सर, मुझे नहीं लगता विद्यार्थियों के प्रश्न है, तो सर हम कक्षा को सर समापन की ओर लेकर के जाते हैं। और जी सर कुछ कह रहे हैं नहीं नहीं सर नहीं जी हाँ सर, तो समापन की ओर लेके आते हैं। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका, बहुत आपके बहुत समय शुक्रिया, के लिए, और आपके आशीर्वाद। विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जी और जी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमने एक जी बार सर फिर मौका दिया। और चूंकि जी सर निबंध मेरा प्रिय विषय है, मुझे बहुत हाँ अच्छा सर, लगता है इसीलिए निबंध। मैंने आपको कहा कि आप आइए पढ़ाइए। जी सर, तो सर पुनः एक बार आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपका हमारा मार्गदर्शन आशीर्वाद, आशीर्वाद प्राप्त बहुत होता बहुत रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा यही समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की सहभागिता के लिए, और आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि ये जो दौर है महामारी का, इस दौर में इससे बचे रहें, अपना अपनों का ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और खूब पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार बहुत प्रिय बहुत विद्यार्थी धन्यवाद, सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कॉल एंड कर सकते हैं अपने ओर से।